देखिए, आतंक का माहौल तो कुछ नहीं है क्योंकि पुलिस तो लीगल काम कर रही है। कल जो हुआ वो इलीगल था। जिन लोगों ने पुलिस के और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सारे इतने कोशिश करने के बावजूद लॉ को अपने हाथ में लेके वहाँ पे वायलेंस किया, राइटिंग की, और राइटिंग की प्रेपरेशन हुई है वहाँ पे 28th, मतलब इसके एक दिन पहले एक FIR हुई है आरन पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे जो दरगाह के ऊपर और स्कूल, वहाँ पे जो स्कूल है उसके वहाँ पे हज़ारों की तादाद में पत्थर, जो कल होते हैं, जो स्टोन पेल्टिंग के लिए यूज़ होते हैं, वो जमा हुए थे। साथ ही साथ में मॉर्निंग में दरगाह के जस्ट सामने एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में करीब 150 से 200 हमको लाठी मिली हैं। साथ ही जो कार में, स्विफ्ट कार में ड्राइव करते हुए हमको लाठी मिली हैं, वो सब उनका जब्त हो के पंचनामा हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो इस तरीके से सारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने जो भी करना था, 144 लगाना था, प्रतिबंधात्मक निषेधात्मक करना था, वो सब किया था। उसके बाद भी इस तरीके से प्रिपरेशन की गई थी। तो जो कल जो वायलेंस हुआ वो मेरे ख्याल से वो उससे भय का जो माहौल है, आतंक का जो माहौल है, डर का जो माहौल है, वो क्रिएट हुआ था। आज हमने जो किया है, जिन्होंने ये किया है, जिन्होंने रायटिंग की है, जिन्होंने वायलेंस किया है, जिन्होंने DC की गाड़ी को तोड़ा है, जिन्होंने वहाँ पे मेरी गाड़ी को ख़राब किया है, मेरी गाड़ी में 2 बड़े डेंट हैं, और बाकी जो वहाँ पे इतनी तमाम गाड़ियाँ थी उनको डैमेज किया है, हमारे जो पुलिस के फोर्स के जो लोग आए थे ड्यूटी करने के लिए उनको जख्मी हुए हैं वो लोग, तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। क्योंकि मेनली हमारा ये था कि वायलेंस ना हो, कुछ भी हो जाए वायलेंस नहीं होना चाहिए, बट आखिरकार सारा कुछ करने के बाद भी इस तरीके का वायलेंस हुआ है। और जो आप बात बता रहे हैं उसके भी हमारे पास, हमने वहाँ पे जाके, हम इसीलिए आलम भी गए, हमारे फोर्स भी गई हैं, उनके घर में ही नहीं घुसे हैं जिनके आप बात कर रहे हैं। 2 लोग हैं और दोनों की तबीयत पहले से खराब थी, एक 80 साल के हैं, उनके बहुत समय उनकी तबीयत खराब थी, उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी हैं। साथ ही में एक 45 ईयर्स की एक लेडी है, उनकी भी 2 महीने से वो शी वॉज अंडर ट्रीटमेंट। तो वो सारे हमारे पास, हमने वो जो है उनकी फैमिली से भी बात की है, जो उनके वीडियो स्टेटमेंट्स भी हमारे पास। इस तरीके के फॉल्स नैरेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जो बोलते हैं उसको अफवाह बोलते हैं, अफवाह जो है वो क्रिएट की जा रही है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि देखिए, हम सब यही चाहते हैं कि हमारे हमारे जिले में, हमारे आलन में या कहीं हर जगह पे शांति हो, तो शांति का माहौल कायम रहे, सभी से यही दरख्वास्त है। कोई भी झूठी खबर न फैलाएं, नहीं झूठी खबर पे विश्वास करें। एक और एक बात की जा रही है कि पुलिस दफनाने के लिए अलाउ नहीं कर रही है। वीडियो स्टेटमेंट इस तरह का, बिल्कुल वो मैंने देखा, उससे मैं शॉक्ड हूँ कि कौन इस तरीके की झूठी स्टेटमेंट दे रहा है। अभी आपके कुछ लोग आए थे हमारे पास, कुछ आलन से और कुछ यहाँ से भी कुछ लोग आए थे, हमसे बात भी की, उनको मैंने बोला कि आप जाके खुद ही देख लीजिए अगर हम झूठ बोल रहे हैं, अगर आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं, आप खुद जाके देख लीजिए। इस तरीके का किसी को कैसे कर सकते हैं कि आप अपनी उनकी बॉडी दफनाने नहीं दें? मतलब एक देर हैज टू बी सम काइंड ऑफ एक वो होना चाहिए कि भाई इस लेवल के बाद हम झूठी खबर ना फैलाएं। इस लेवल तक जाके झूठी खबर नहीं, मैं सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप इस तरीके की बातों पे विश्वास न करें और आप नहीं इस तरीके की बातों को फैलाएं, क्योंकि झूठी खबर फैलाना भी एक अपराध है। तो आप एक के ऊपर एक अपराध न करें, ठीक है, वो सही बात नहीं है, और नहीं इन सब चीज़ों पर विश्वास करें। 144 लगाया गया था, तभी ये सारे MPs और MLA इसके जाके रैली निकालते हैं, तो बिल्कुल है। देखिए, उसके बेसिस पे ऑलरेडी तहसीलदार ने एक जो दोनों पार्टी के ऊपर, क्योंकि दोनों की तरफ से ये वायलेशन हुआ था, तो इसीलिए ऑलरेडी उसके ऊपर एक कंप्लेन दर्ज हो चुकी है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है आज, जिस तरह सुबह बताया जा रहा है 4 बजे से 165
वहाँ पे एक्चुअली नो, हमने राइटिंग के लिए गिरफ्तार किया लोगों को, बिकॉज राइटिंग एंड वायलेंस, जिन्होंने वायलेंस किया है, जिन्होंने राइटिंग किया है, चाहे वो कोई भी हो, जो भी राइटिंग किया है जिन्होंने, जिन्होंने भी वहाँ पे कल तोराटा किया है, स्टोन पेल्टिंग की है, उनको गिरफ्तार किया है। और उसमें अराउंड 165, हालांकि वहाँ पे थे काफी लोग, हमने 165 लोगों को आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया है। उसमें नौ महिलाएं हैं। नेक्स्ट हमारी तरफ से यही है कि लोग शांति कायम करें और झूठी खबर ना फैलाएं, ना झूठी खबर पर विश्वास करें, और जो शांति है उसको कायम रखें। वही हमारा मकसद है, वही सबका मकसद होना चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ किस तरीके से प्रेशराइज कर रही है, क्या जिन लोगों ने वायलेंस किया है, क्या जिन्होंने पुलिस वालों के ऊपर अटैक किया है, हमारा एक DSP अपनी गाड़ी में जा रहे थे, उनकी गाड़ी के ऊपर कल तोराटा हुआ है, प्रोबेशनरी DYSP है वो, उन्होंने अभी वो प्रोबेशन में, उनको ज्वाइन किए हुए एक साल भी नहीं हुआ है, वो अभी प्रोबेशन में है, यहाँ पे उनकी गाड़ी के ऊपर और उनके ऊपर अटैक हुआ है, हमारे लोगों के ऊपर अटैक हुआ है। तो कोई वायलेंस करेगा तो क्या हमको उनके ऊपर एक्शन नहीं लेना है? क्या ये गलत है? देखिए, ये सब चीजें पहले ही डिसाइड हो चुकी थी दोनों पार्टी को बुला के, वहां पे कुछ वायलेशन इसीलिए नहीं हुआ है। दिस वॉज DC's ऑर्डर, ही इज द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, he knows the law, he has understood the law better than you know me, because I am about the criminal law, he knows the civil law, he is a district magistrate, he understand the revenue aspect of this. जो law है वो ये कहता है कि status को maintain करना है, उसमें already लोग जो हैं एक जोशी करके पंडित जी हैं, पहले से ही जाते थे, और उन जो दरगाह कमेटी के लोग हैं उनको भी इसका बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, इसीलिए उन लोगों ने मिलके उनको एक लैंड भी दिया है, जोशी जी जो वहाँ पे रोज पूजे के लिए जाते हैं उनको लैंड भी दिया है, और वो माने कि हाँ उन जो भी 10 लोग हैं उनको आने दीजिए, और यही हुई थी बात और यही हुआ जी। दस लोग जो थे, हाँ वो सब सबके ऊपर होगा, मगर जो 10 लोग आए थे वो कोई भी हो सकते हैं, हम किसी को कैसे रोकें कि ये, क्योंकि क्या वो, क्योंकि वो एक कोई पद में है, क्या डज एनीबडी हैव द लीगल राइट टू स्टॉप, आर दे क्रिमिनल्स? We can see whatever was done, the decision was taken by the district administration in the able leadership of our DC, and you know it was all, whatever has been done wo pura jo law ko dekh ke, kanoon ke hisab se kaam hua hai wahan pe, aur dono party ko ke sath shanti committee meeting karke ye sab hua hai। तो ये एक तरफा को तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि जो शांति सभा हुई है वो उसका डॉक्यूमेंटेशन है, ये सब रिकॉर्डिंग हुई है, और ये सबको पता है कि ये जो 10 लोगों की बात थी सबको ही पता है, ये कोई नई बात नहीं थी। और जी यही उन्होंने बोला, उन्होंने अपनी बात की, और हमने उनको, क्योंकि उनको फॉल्स नैरेटिव पेश किया गया था, उनको झूठी बातें बताई गई थी। अब एक कोई बोले कि 60-70 महिलाएं को अरेस्ट कर लिया है, मतलब देर हैज टू बी सम प्रपोर्शन ऑफ ट्रूथ इन व्हाट वी आर सेइंग, मतलब आप 10 गुना बढ़ता के बता रहे हैं, और उनको जब हमने सब सच्चाई बताई, उनको पूरा पिछली पूरी घटनाएं बताई, जो क्या क्या हुआ, एक एक चीज, जो गलतियां सब तरीके से हुई हैं, तो दिखाया उनको, तब उनको समझ में आया कि असलियत क्या है, तब उनको समझ में आया कि पुलिस ने या जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम किया है वो बिल्कुल ही पारदर्शिता से, न्यूट्रलिटी से किया है। किसी का प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया जनता से। कहां से? नहीं, मतलब क्यों? क्योंकि कल रात तक तो बहुत अच्छा सब DC और SP बहुत अच्छे काम किए हैं बोल रहे हैं, क्योंकि जब किसी ने गलती की है उसको अरेस्ट किया तो वो, मतलब वो गलत हो गया, मतलब जब तक लॉ
हम लॉ को फॉलो करते हैं तो गलत हो जाता है। इसके पहले भी सब कुछ लीगली हुआ है, 144 हुआ है वहाँ पे जिनको भी वहाँ से निषेधाज्ञा करनी थी उनकी निषेधाज्ञा भी हुई है, जो भी शांति के लिए, इट इज ऑल हम लोगों को यहाँ पे बैठ के कुछ भी नहीं, हमारा एक ही मकसद है वो है कि हमारे जिले में शांति अमन रहे और कोई भी तीसरी बात नहीं है, और वही किया, अभी तक भी वही हो रहा है। हम लोग अमन के लिए हैं, हम लोग शांति के लिए हैं। अगर कोई शांति भंग करेगा, अगर कोई वायलेंस करेगा, अगर कोई डीसी की गाड़ी जख्म करेगा, हमें हमारे जो लोग हैं उनको कल तौराटा करेगा, तो फिर वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन और कोई भी पुलिस एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बिकॉज वो गलत है। सुबह गए हम लोग, 5 बजे से शुरू हुआ, मगर वो जिला वो जब वो क्या बोलते हैं लाइट आ गया, वहां से पुलिस गई क्यों, तो जिनको अरेस्ट करना था उनको अरेस्ट करेंगे ना भाई, जिनको अरेस्ट करना था। और हमें हर उसमें महिलाएं भी थी, महिला पुलिस को लेके गए हैं, बिना महिला पुलिस के कोई भी नहीं गए हैं।